तेजी से बढ़ रहे जानलेवा कैंसर रोग के मरीज तथा बीमारी से असमय हो रही मौतों से एक और जहां सरकार स्वास्थ्य संगठन चिंतित है, वहीं लॉयंस क्लब जैसी समाज सेवी संस्था कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक कर उन्हें तज्ञ चिकित्सकों द्वारा निशुल्क रोग निदान मार्गदर्शन हेतु आगे आ रही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर लॉयंस क्लब सावनेर तथा IMA सावनेर तथा राष्ट्रीय संत तुकड़ोजी महाराज कैंसर हॉस्पिटल नागपुर द्वारा IMA सावनेर में एक दिवसीय मुख्य स्तन तथा गर्भाशय के कैंसर रोग निदान तथा मार्गदर्शन शिविर का आयोजन डॉक्टर ज्योत्सना धोटे की अध्यक्षता तथा एडवोकेट पल्लवी मुलमुले की प्रमुख उपस्थिति में प्रसूति रोग तज्ञ डॉक्टर संगीता जैन आदि की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर लॉयंस क्लब सावनेर के अध्यक्ष डॉक्टर शिवम पुन्यानी, IMA सावनेर अध्यक्ष चांडक डॉक्टर प्रवीण चौहान, डॉक्टर अमित बाहेती तथा राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज कैंसर हॉस्पिटल नागपुर के कैंसर रोग तज्ञ डॉक्टर वैष्णवी भामरे, डॉक्टर मीनल पाटिल प्रमुख रूप से उपस्थित थे। आयोजन के सफलार्थ डॉक्टर अमित बाहेती, डॉक्टर प्रवीण चौहान, मृणाली बांगरे, डॉक्टर स्वाति पुन्यानी, डॉक्टर अंकिता बाहेती, एडवोकेट मनोज खंगारे, डॉक्टर स्मिता भुड़े, डॉक्टर श्वेता चौहान, डॉक्टर मोनाली पोटोड़े, डॉक्टर विलास मानकर, डॉक्टर मानापुरे आदि ने परिश्रम लिए। वहीं राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज कैंसर हॉस्पिटल नागपुर के सविता लिखितकर, संजय आमले, विकास थुलकर, रवि शाहू, संजू मेहरा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहकर शिविरार्थियों की सहायता की। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मीनल पटले है। हम राष्ट्र संत तुकड़ोजी कैंसर हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पे कैंसर की स्क्रीनिंग करने आए हैं। तो बेसिकली महिलाओं में स्तन का कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, ये काफ़ी कॉमन चीज़ें होती है, बट महिलाएं इन्हें इनकी जांच नहीं करा पाती है कुछ रीजंस की वजह से। तो हम ये मोबाइल वैन के थ्रू इन कैंसर्स की स्क्रीनिंग करते हैं, जिसमें हमें कैंसर सस्पेक्ट ढूंढने में मदद होती है। हम यहाँ पे पैप्समियर जैसी टेस्ट करते हैं और विजुअल इंस्पेक्शन जो होता है वो करते हैं, और अगर हमें सस्पेक्ट लगे तो हम उन्हें रेफर करते हैं। तो इसके थ्रू हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर सस्पेक्ट मिलने के बाद में उसका उपचार जो होता है वो किस तरीके से किया जाए, इसके गाइडेंस में हम लोग पेशेंट्स को हॉस्पिटल रेफर करते हैं। और इसमें काफ़ी अगर ये पेशेंट्स जाकर ट्रीट हो जाए तो उनके लाइफ में एक बेटरमेंट मिल जाएगा, और हम लोग इसी तरह से कैंसर का रेट जो है वो कम करते हैं। और ये शिविर हमने आज लायंस क्लब और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के संयुक्त विद्यमान से ऑर्गेनाइज किया है। इसमें हम बेसिकली वुमेन हेल्थ डे और वुमेन एम्पावरमेंट और समर्पण दिवस, ये ऐसा इसका संकल्पना है, उस हिसाब से ये ऑर्गेनाइज किया है। इसमें मुख्यतः हम लोग ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, ये सब चीज़ें जो है ये थोड़ा सा निग्लेक्टेड पार्ट रहता है, और लेडीज़ लोग और बाकी सब चीज़ें इसमें थोड़ा सा संकोच करती है ये सब चीज़ें बोलने करने में। तो इस वजह से ही हमने एक फ्री और एक कैंप रखा है विद तुकड़ोजी हॉस्पिटल नागपुर के से। नमस्कार, माझं नाव डॉक्टर वैष्णवी बाबरे आहे। मी राष्ट्र संत तुकड़ोजी कैंसर हॉस्पिटलमध्ये ॲज अ डेंटल सर्जन वर्क करते। ओरल कैंसर कशामुळे होते, आय थिंक एव्हरी याच्यावर सुरू आहे की कर्करोग तंबाखूमुळे होते। आता तंबाखू बाई असो माणूस असो, आता काही रेट राहिलेलं नाही आहे, बाया पण तेवढेच खातात, माणसंही तेवढेच खाते। हळूहळू सुरुवात कशी होते की गाल आपले टाईट होतात, तोंड आपलं कमी उघडते, तिखट लागते, मानेची नसा टाईट होतात, तोंड बंद होते, मग त्याच्यात दात सुद्धा गळला तर तिथे ते मग कॅन्सरचा एक प्रतिरोप उघडते। हा आमचा एक नवीन डिवाइस आहे ज्याच्यातून कॅन्सर लवकरच्या लवकर जवळ फर्स्ट स्टेजमध्ये आहे तो डिटेक्ट करून टाकते। BCN न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढुंडेले।